Assalamu alaikum dear viewers, hope you are fine guys. Alhamdulillah, आप सब खैर खैरियत से होंगे. बेसिकली आज इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि मुझे एक ऑलमोस्ट अब ऑर्गेनिकली कमेंट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं ताकि मैं अपनी ऑडियंस को उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं. ठीक है, तो बेसिकली मुझे आज रिसेंटली एक कमेंट आया हमारी जो हम अपनी प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई थी. हमने टिक एंटर लाइब्रेरी की, हमने पाइथन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसके अंदर जो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, क्रिएट योर ऑन कैलकुलेटर, आप देख सकते हैं मैं अपने चैनल पर भी मौजूद हूँ यहाँ पर फ्रंट स्क्रीन पर. ठीक है गाइस, तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज आई थिंक मैं कह सकता हूँ या मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ फ्रॉम इंडिया. तो बेसिकली उसमें ये कहते हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको भी क्लियर हो जाए. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैं हमारे पास रयान अली हैदर, ये कहते हैं कैरी ऑन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच मिस्टर रयान, आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया. और नेक्स्ट हमारे पास एक हमारे इंडिया से कंट्री से हमारे दोस्त भाई हैं, ये कहते हैं हमें थैंक्स फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ आल्सो मेक वीडियो ऑफ हाउ कैन वी यूज़ अ रीजनल लैंग्वेज लाइक हिंदी गुजराती फॉन्ट. ठीक है, यूज़ इन पाइथन टिकनर जी यू आई, आई एम यूजिंग द टी टी एफ फॉन्ट्स बट प्रॉपर नॉट टाइपिंग इन विजेट्स इज पी एल पे हेल्प मी. ठीक है, अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे आपको एक गाइड दूंगा, बल्कि मैंने एक कोड जनरेट भी कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी. बेसिकली पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं या हमारे एक नेबर कंट्री इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको वहाँ पे हिंदी आपको यूज़ यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी यूज़ होती है. ठीक है, बेसिकली मैं एज अ पाकिस्तानी मैं यहाँ पर एक इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने प्रोविंस की लोकल लैंग्वेज को, दैट्स वी कॉल इट अ सिंधी लैंग्वेज बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू सिंध प्रोविंस. सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आपको अपने पाइचाम के अंदर एक जस्ट कोडिंग करके दिखाता हूँ मैंने की हुई है, बस मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि अगर आपके पास आपने मुझे यहाँ पर बताया है, मैं कमेंट पर अगर थोड़ा फोकस करूँ तो आपने मुझे यहाँ पर बताया है टी टी एफ, अगर आप इसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लें, इसकी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें, अपने कीबोर्ड के अंदर इंस्टॉल कर लें, जैसे मैंने यहाँ पर की हुई है, देख सकते हैं आप मेरे पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद दूसरी मेरे पास क्या है पर्शियन, इट मींस सिंधी, जो मैं अपने प्रोजेक्ट में आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा. इट मींस कि हम मल्टीपल्स लोकल लैंग्वेज अपने सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं. और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, अगर आपके पास इरादा आ रही है तो बताऊँ इरादा क्यों आ रही होगी, मे बी आपका डेटा कनेक्ट नहीं होगा आपका सिस्टम के साथ. ठीक है, इट मीन्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी है अपने सिस्टम के साथ, क्योंकि पाइचाम में कुछ क्या होते हैं मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी लोड होते हैं जब हम अपने सिस्टम को खोलते हैं, आई थिंक 1 वीक या 2 वीक के बाद, तो क्या होता है वो जो हमारा सेशन है वो एक्सपायर हो जाता है और उसको अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, नेट की हमें कनेक्टिविटी की नीड होती है. तो थैंक यू सो मच एक कैंडल्स स्टिक, आपने मुझसे क्वेश्चन किया, आई एम वेरी हैप्पी और मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है, अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम अपने आईडी की तरफ आ जाते हैं. ठीक है जी गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, मैंने जस्ट ये वाली हमने डैशबोर्ड वाली वीडियो भी हमने मैंने आपको पहले अपने लेक्चर नंबर 4 या 3 में मैंने आपको करके दिखाया था कि हम डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं अपने पाइथन जीयूआई के अंदर. लेकिन अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया, हमारे भाई ने हमसे क्वेश्चन किया कि हम लोकल लैंग्वेज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि मैंने अपने यहाँ की अपने प्रोविंस की सिंधी लैंग्वेज की डिक्शनरी को डाउनलोड किया और यहाँ पर अपने कीबोर्ड में इसको इंप्लीमेंट किया. ठीक है, इंप्लीमेंट करने के बाद मैंने क्या किया, हमारे कीबोर्ड में वो हमारे पास टाइपिंग इंप्लीमेंट हो गई. ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, हमारे जाते हैं फ्रॉम टिक एंटर इंपोर्ट, हमने टिक एंटर के जितने भी हमारे मॉड्यूल से फंक्शन है उसको इंपोर्ट करवाया. उसके बाद मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया रूट इज इक्वल टू टीके, देन हम क्या करें रूट डॉट टाइटल जी यू आई एप्लीकेशन फॉर लोकल लैंग्वेज में कह देता हूँ यहाँ पे फॉर लोकल लैंग्वेज. ठीक है जी, थोड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पे पाइचाम भी खोला हुआ है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हैवी फाइल्स इसलिए क्या है लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे टाइप कर लेता पूरा एल
लोकल लैंग्वेज, ठीक है जी। ये मेरा हो गया टाइटल हमारे GUI का। उसके बाद मैंने क्या किया, रूट डॉट ज्योमेट्री, उसकी मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेट की है 400x400। रूट डॉट रिसाइजेबल, इट मीन्स मैंने फॉल्स कर दिया, उसको हमें रिसाइज नहीं करना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, टाइटल क्रिएट किया है एक वेरिएबल, उसमें मैंने लेबल पास किया है, वो कहाँ पे हमारे शो होगा, रूट विंडो पे ऊपर। टेक्स्ट में मैंने पहले लिखा है पहले इंग्लिश टेक्स्ट बोर्ड, उसमें मैंने फॉन्ट अप्लाई किया टाइम्स न्यू रोमन, उसका मैंने साइज लगा 30। बैकग्राउंड कलर हमारा ये है, फोरग्राउंड कलर हमारा वाइट है, ठीक है। और उसको मैंने रिप्ले टाइटल डॉट प्लेस किया है मैंने एक्स इज इक्वल टू 0 एंड कमा वाई इज इक्वल टू 0 और रेवलेंट विथ, इट मीन्स वो सेंटर में ऑटोमेटिकली सेटिंग में आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइटल डॉट लेबल 1, ठीक है, लेवल रूट टेक्स्ट इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ शोर ऑफ रोज कैंपस, इट मींस जहां से मैंने अपने बैचलर की अपनी आईटी की, तो मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा अपनी यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करना चाहूंगा, ठीक है। यहां पे मैंने इसको सिंधी लैंग्वेज में, जो हमारे यहां की सिंध प्रोविंस की लोकल लैंग्वेज है, उसको मैंने यहां पे आपको यहां पे टाइप बायो रेफर मैंने यहां पे टाइप किया हुआ था, अगर आप अपने देख सकते हैं यहां पे मैंने टाइप किया हुआ है, तो मैंने यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। फॉन्ट मैंने टाइम्स न्यू रोमन अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मैंने यहां पे इसका साइज रखा 15 क्योंकि इसका जो साइज थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए अब मैं क्या करता हूँ इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए बेसिकली कि हाँ भाई हम अपनी एनी लोकल लैंग्वेज को अपने पाइथन टिकेंडर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंशाल्लाह विद इन अ मिनट हमारे पास क्या होगा, अब फाइल हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप देख सकते हैं गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया था, हमारा देखें GUI एप्लीकेशन फॉर द लोकल लैंग्वेज। अब मैंने यहाँ पे एक तो हमने दो लैंग्वेज यूज़ की है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरी हमारी लोकल लैंग्वेज। हम अपने जो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ शोर ऑफ रोज़ कैंपस, इट मीन्स देखें ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि वो किस टाइप की अपनी लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। अगर आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इंडिया से रिलेटेड हैं और आप हिंदी वहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप पहले आप अपनी डिक्शनरी को इंस्टॉल करेंगे अपने कीबोर्ड के अंदर, और द सेकेंड स्टेप इज़ दैट, तो आप अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप यहाँ पे विंडो प्लस स्पेस जैसे करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं मुझे पास यहाँ पे मेरी पर्शियन लैंग्वेज ट्रांसफ़र हो गई है, तो अब मैं यहाँ पे पर्शियन में टाइप कर सकता हूँ। तो गाइज होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोकल लैंग्वेज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने पाइथन GUI के अंदर। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम आपको विद इन वन डे और टू डेज आपको रिस्पांस देगी। जैसे मेरे भाई ने आज हमें पास कमेंट किया था, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, मैं आपको दोबारा थैंक यू सो मच कहता हूँ, और मुझे खुशी हुई कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वन थिंग इज मोर, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।